हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल फेस मास्क। बिलीव मी गाइस, अगर ये फेस मास्क आप लगाओगे आपको रिजल्ट पहले ही यूज में पता चल जाएगा। ये इतना बेनिफिशियल है आपके स्किन के लिए। इसमें मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स दिया है, इसको लेने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपके किचन में ही अवेलेबल मिल जाएगा। और इसका मेन पार्ट है मसूर दाल, दैट इज रेड लेंटिल। इसका बेनिफिट सबको पता है, ये हमारे स्किन से किसी भी दाग धब्बे को दूर करने में हेल्प करते हैं। हमारे स्किन में एजिंग की प्रॉब्लम हो, मतलब इधर से किसी का फाइन लाइन्स हो जाता है, किसी को इधर मतलब फाइन लाइन्स आ जाती है, तो इन सबको ये हील करने में बहुत बहुत मतलब बेनिफिशियरी है। तो आप इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मसूर डाल दिया है, दैट इज रेड लेंटिल। और इसके साथ मैंने जो यूज किया है वो है कार्ड दही। अच्छा, इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स दिया है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बोलती हूँ। तो पहला पार्ट जो है वो है मसूर दाल, दैट इज रेड लेंटिल। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज किया है वो है दही कार्ड। कार्ड क्या करता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है और फिर हमारी स्किन को अंदर से ब्राइट करता है, इसलिए मैंने इसमें कर्ड यूज किया है। और इसका और जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया हुआ है हनी। यह हमारे स्किन को अंदर से नरिश करता है, हमारे स्किन को ग्लो करता है और मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने इसमें हनी ऐड किया है। तो इस फेस पैक को मैं इसे बना लूंगी, अभी इसे मिक्स कर लूंगी अच्छे से ताकि एक थिक पेस्ट हो जाए। इस पेस्ट को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को किसी भी क्लींजर से आप थोड़ा क्लीन कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप चाहो तो थोड़ा सा मिल्क लेके इस अपने फेस को क्लीन कर लीजिए, फिर आप इस फेस मास्क को अप्लाई कीजिए। इस फेस मास्क मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है और मैंने इसको ऐसे छोटे से कंटेनर में स्टोर कर लिया है। अभी इससे मैं अप्लाई करूंगी। आप चाहो तो मैंने इसे थोड़ा ही क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहो तो ज्यादा बना के आप अपने गले पे, अपने हाथों पे भी आप अप्लाई कीजिए, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाती हूँ। मैंने मेरे फेस को पहले ही क्लीन कर लिया है, मैंने मेरे फेस को क्लीन करने के नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किया है हनी। अच्छा, अभी इसे सूखने के लिए मैं 10 मिनट रख दूंगी ऐसे ही। जब ये पूरा सूख जाएगा, पूरा तो नहीं सूखेगा ये, क्योंकि मैंने इसमें हनी ऐड किया है, तो ये पूरा नहीं सूखेगा, पर 10 मिनट के बाद मैं इसे क्लीन कर लूंगी। 10 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी मेरे फेस पे। आप देख सकते हो मैंने मेरे फेस को क्लीन कर लिया है, कितने ब्राइटन लग रही है पहले से, और कितने अच्छे से इसने मेरे फेस को क्लीन कर लिया है। आप प्लीज इसे एक बार ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट इतने अमेजिंग लगेगा कि आप खुद मुझे बताओगे। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।